कन्फर्म कर दिया है कि टाइगर थ्री का शूट होने वाला है यह फिल्म कंफर्म हो चुकी है क्या है अली अब्बास की सुपर हीरो यूनिवर्स फिल्म्स हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में हूं सोनी का जयाल टाइगर थ्री का हम सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है जिसमें सलमान खान और कटरीना के नजर आएंगे लेकिन इन फिल्मों इस फिल्म के बारे में कभी किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा है ना ही इसके डायरेक्टर ने ना सलमान ने ना कटरीना ने लेकिन अब जो अली अब्बासफर ने टाइगर जिंदा है जिन्होंने डायरेक्ट की थी उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि हाँ टाइगर थ्री बन रही है आपको बता दें कटरीना कैफ एक सुपर हीरो फिल्म करने वाली और पहली एक्ट्रेस होंगी जो कि एक सुपर हीरो फिल्म कर रही हैं जो कि अपने आप में बहुत अलग बात है और अली अब्बासफ़र कटरीना कैफ की सुपर हीरो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फिलहाल वो यू में है और वहां लोकेशंस ढूंढ रहे हैं अली अब्बासफ़र की ये खास बात है कि जब भी वो किसी फिल्म का शूट करते हैं तो उसके एक साल पहले से वो लोकेशंस देखने लग जाते हैं कि कहाँ पर फिल्म की शूटिंग की जानी है जैसे कि अभी वो दुबई में है फिर पोलिट जाएंगे जॉर्जिया जाएंगे इंडिया में वो चाहते हैं कि हिमाचल उत्तराखंड और दिल्ली में फिल्म की शूटिंग की जाए अब हम आपको बताते हैं कि उनका जो ये ही सुपर हीरो यूनिवर्स है वो क्या है जैसे रोहित शेट्टी अपना कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं उन्होंने पहले सिंघम लेके आए फिर राउडी राथ सिम्बा तो सूर्यवंशी तो इसी तरह का रोहित शेट्टी ने इंडिया में कॉप यूनिवर्स की फ़िल्में बना दी हैं तो अब ऐसा ही कुछ अली अब्बास जफर करने वाले हैं पहले वो एक सुपर हीरो फिल्म बनाएगी कटरीना कैफ़ के साथ उसके बाद वो मिस्टर इंडिया टू बनाएंगे जो कि ट्रायलॉजी होगी फिल्म का रीमेक नहीं होगा सीक्वल नहीं होगा ट्रायलॉजी होगी इसके बाद आएगी एक और इंडियन मैथोलॉजिकल फिल्म जो कि एक सुपर हीरो की फ़िल्म होगी और एक इंडियन आर्मी के सुपर हीरो की फिल्म होगी तो इसी तरह से वो चार से पांच फिल्में उन्होंने कंफर्म की है कि उन्हें बनानी है और इंडिया में सुपर हीरोज़ की सीरीज़ लानी है आपको पता है सुपर हीरो फिल्में हमें कितनी पसंद हैं क्रिशफोर ले लीजिए रावण ले लीजिए तो हमें बड़ा मज़ा आता है ऐसी फिल्में देखने में वहीं अब टाइगर थ्री की बात कर लेते हैं क्योंकि टाइगर थ्री में है कटरीना कैफ और अली अब्बाज़र ने कहा है कि जब कटरीना कैफ टाइगर थ्री का शूट कंप्लीट कर देंगी उसके बाद ही वो सुपर हीरो फिल्म में बनेगी यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि कटरीना और सलमान खान टाइगर थ्री बनाने वाले हैं अभी तक सिर्फ हवाओं में बात घूम रही थी लेकिन अब कंफर्म भी हो चुकी है इसमें सलमान खान नज़र आएंगे कटरीना नज़र आएगी और मनीष शर्मा जो कि फ़ैन को डायरेक्ट कर चुके हैं वही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे अक्टूबर अगले साल से शुरू किया जाएगा और क्रिसमस ट्वेंटी को इसे उस टाइम पर टारगेट किया जा रहा है कि तब तक ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाए वहीं टाइगर थ्री की बात करें तो इस वक्त बहुत सारी ख़ास बातें टाइगर थ्री से जुड़ रही हैं और आपको बता दें टाइगर थ्री को सात अलग अलग कंट्रीज़ में उनके सोलह शहरों में शूट किया जाएगा यानी कि बहुत ही सुंदर लोकेशंस हमें टाइगर थ्री में मिलने वाली है इसके अलावा सलमान खान बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं राधे उनकी रिलीज़ होगी जो कि कहा जा रहा है कि कन्फर्म डेट हो चुकी है ईद ट्वेंटी में ईद ट्वेंटी इसकी डिसाइड की गई थी लेकिन के चलते रिलीज नहीं हो पाई लेकिन 2021 ईद में आप तैयार हो जाइए क्योंकि सलमान खान थिएटर्स में आ रहे हैं उसके बाद वो सीधे टाइगर थ्री का शूट कर सकते हैं और फिर किक टू भी है इसके बाद देखी जाएगी कभी ईद कभी दिवाली जिसमें सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े नजर आएगी और इसके अलावा आसिम रियाज भी फिल्म में नजर आएंगे क्योंकि पांच भाइयों की कहानी है तो एक भाई हो सकता है आसिम रियाज बने ऐसी खबरें हैं वहीं सलमान खान इंडियाना जोन्स के साथ भी आपके सामने आने वाले हैं जो कि हॉलीवुड की एक बहुत ही हिट सीरीज रही है उसका हिंदी रीमेक होने वाला है तो बहुत सारी फिल्में हैं फिलहाल टाइगर स्री का आपको कितना इंतज़ार है और अली जफ़र की सुपर हीरो वाली इस सुपर हीरो यूनिवर्स का कितना इंतजार है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉडीग्रास स्टूडियोज़ को